जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। आइए जानते हैं आज का पंचांग और 12 राशियों का फल। तारीख 26/6/2023, आषाढ़ शुक्ल पक्ष, तिथि अष्टमी, दिन सोमवार। सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कुटुंब में एकता, मित्रों से सहयोग, व्यापार में लाभ, सुखद समाचार की प्राप्ति, पारिवारिक सुख इत्यादि रहेगा। दूसरी राशि वृख। वृख राशि वाले भाग्य का उदय, व्यापार सम, स्त्रियों का कष्ट, मित्रों से सहयोग, न्याय, कोर्ट कचहरी जैसे कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त होगी। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि वाले निर्माण कार्यों पर व्यय होगा, वाहन संबंधी सुखद समाचार, शत्रु भय, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की गिरावट, स्थानांतरण के योग भी बन रहे हैं। चौथी राशि कर्क। मानसिक व्यग्रता, व्यापार अधिक, स्वास्थ्य में लाभ, पारिवारिक मामलों में आपकी व्यस्तता और अटका हुआ कार्य आपका संपन्न होगा। पांचवी राशि सिंह। सिंह राशि वालों के लिए संतान पक्ष से सुख प्राप्त होगा, विद्या संबंधी कार्यों से लाभ होगा, धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक प्रवृत्ति क्षेत्र में आपका मन लगेगा, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा और किसी पदोन्नति पद की प्राप्ति होगी। छठवीं राशि कन्या। कन्या राशि वाले श्रम अधिक, व्यर्थ के कार्यों से नुकसान होगा, व्यर्थ के कार्यों से कुसंग से बचें, यात्रा से हानि हो सकती है, धन अधिक खर्च होगा, शत्रु भय भी आपको आज हो सकता है। सातवीं राशि तुला। तुला राशि वाले जमीन जायदाद में वृद्धि, धन संबंधी कार्यों में सफलता प्राप्त, माता पिता से सुख, मित्रों से अच्छे संबंध, मित्रों से सहयोग प्राप्त आपको होगा। आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आप किसी पद पर प्रतिष्ठित हैं तो वह आगे की ओर अग्रसर, पदोन्नति पदी की प्राप्ति, जमीन जायदाद में वृद्धि, वाहन से थोड़ा सचेत रहें, शत्रु भय भी आपको हो सकता है। नवम राशि धनु। धनु राशि वाले सुखद समाचार की प्राप्ति, नए कार्यों की सफलता, पारिवारिक कोई उतार चढ़ाव, कलह, उदर विकार, पेट से संबंधी कोई समस्या, नेत्र संबंधी समस्या आपको हो सकती है। दसवीं राशि मकर। मकर राशि वाले भवन संबंधी कार्य संभव, विद्या प्राप्त, अचानक से कोई अनायास नया लाभ, मांगलिक कार्य, स्त्री पक्ष से आपकी स्थिति ठीक रहेगी। ग्यारहवीं राशि कुंभ। कुंभ राशि वाले शत्रु पक्ष आपका पराजय होगा, कमजोर होगा, सुखद समाचार होगा, भूमि भवन वाहन से लाभ, नए नए निर्माण कार्य संभव, मांगलिक कार्य आपके होंगे। बारहवीं राशि मीन। मीन राशि वाले उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, वाहन सुख होगा, भूमि भवन निर्माण कार्य संभव होगा, स्थानांतरण आपके योग बन रहे हैं, पदोन्नति पद की प्राप्ति होगी, यात्रा के आपके योग बन रहे हैं, कहीं आप घूमने भी जा सकते हैं। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आचार्य पंडित राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री, राजगढ़, झांसी।